आप सभी की 2022 वाले स्टूडेंट को वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी बल्कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने भी अपनी एडमिशन प्रोसेस या एडमिशन प्रक्रिया को स्टार्ट करना शुरू कर दिया है और बच्चों ने भी क्या रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। दे आर डूइंग सो मेनी मिस्टेक, दे आर रिपोर्टिंग देयर मिस्टेक्स, तो अब तो उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन गाइज, वट आर दोज 5 रीजंस आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो जिनकी वजह से आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो सकता है टू इन योर ड्रीम यूनिवर्सिटी। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है, अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी उन्हें वेरीफाई नहीं करता है, सो इस वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। जो सेकंड रीजन है वो क्या है, अगर एलोकेटेड सीट, आपको कोई भी एलोकेटेड सीट होगी, जब भी काउंसलिंग राउंड होगी तो आपको सीट अलॉट होती रहेगी, अगर आपने सीट जो अलॉट हुई है उसको एक्सेप्ट नहीं किया टाइम पर तो आपका एडमिशन प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। नंबर 3, अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट नहीं करते हो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, प्रोग्राम के लिए, तो आपका एडमिशन प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। नंबर 4, अगर अप्रूवल के बाद भी, माना किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया और आपको अप्रूव दे दिया, तो अप्रूवल के बाद भी अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, एडमिशन फी पे नहीं करते हैं, तो आपका एडमिशन प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन योर कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस इफ अ क्वेरी विल बी रेज्ड बाय अ पर्टिकुलर कॉलेज इन विच यू वांट टू गेट एडमिशन, अगर आप उस क्वेरी का रिस्पॉन्स करने में फेल हो जाते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सो गाइस, दीज वर द 5 इंपॉर्टेंट रीजन। मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए और बच्चों को बताया जाए कि क्या ऐसे 5 रीजन है जिनकी वजह से आपका एडमिशन प्रोसेस कैंसिल हो सकता है, और ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके करियर का सवाल है। सो गाइस, दिस इज आकाश शुक्ला साइनिंग ऑफ एंड गुड लक फॉर द रिजल्ट। गाइस, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।